अलीराजपुर जिले के भाबरा थाना क्षेत्र में हादसे के बाद ड्राइवर सहित वाहन में आग लगा दी गई थी, जिसमें ड्राइवर की मौत हो गई थी। सोमवार को ड्राइवर के गांव के लोग एसपी ऑफिस पहुंचे और ज्ञापन सौंपा। लोगों की मांग थी कि घटना में दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाए। आपको बता दें कि गत दिनों वाहन की चपेट में आने से बालिका की मौत हो गई और गुस्साए लोगों ने गाड़ी में आग लगा दी थी, जिसमें गाड़ी के साथ ही ड्राइवर की भी जलने से मौत हो गई थी। सोमवार को ड्राइवर मगन सिंह के गांव जामली के लोग और जिले के ड्राइवर एसोसिएशन के सैकड़ों लोग एसपी कार्यालय पहुंचे। लोगों ने राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंप कर मांग की है कि घटना में जो भी दोषी हो उन पर सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि ऐसी घटना दोबारा किसी के साथ न घटे। वहीं ये भी मांग की है कि ड्राइवर मकन सिंह के परिवार में वो अकेला कमाने वाला था, उसके छोटे छोटे 3 बच्चे हैं। सरकार से घटना में मारे गए ड्राइवर के परिवार को उचित मुआवजा देने की मांग की गई है। घटना को लेकर जिला प्रशासन भी हरकत में आया था और जानकारी लगते ही जिले के आला अफसर मौके पर पहुंचे थे। फिलहाल अभी तक किसी को घटना में आरोपी बनाया नहीं गया है, पुलिस की जांच के बाद ही मामला स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन लोगों के द्वारा ड्राइवर को आग के हवाले कर कानून को हाथ में लेना कहीं ना कहीं क्षेत्र में जागरूकता का अभाव दिखाई दे रहा है। अलीराजपुर से यतेंद्र सिंह सोलंकी की रिपोर्ट। तो जो अभी 2 दिन पहले घटना घटी थी, ग्राम पंचायत जामने का निवासी मगन पिता थान सिंह, जो कि बरझर क्षेत्र में एक्सीडेंट हुआ, जिसके हाथों से एक्सीडेंट के कारण मृत्यु हो गई बालिका की, और वहां के ग्रामवासियों ने उसको मार मार के पिकअप में जिंदा जला दिया, जिसको इलाज के दौरान मौत हो गई, जिसमें ग्रामवासी बहुत दुखे जामने के, और उसका परिवार जो मगन पिता थान सिंह वो बहुत गरीब है, और उसके बच्चे भी छोटे छोटे हैं, और उसको मुआवजा मिले। और एसपी साहब से ये निवेदन है कि आरोपियों को सख्त से गिरफ्तार करें और उस पर कड़ी कार्रवाई किया जाए, और परिवार को मुआवजा के लिए हम चाहते हैं। क्या नाम आपका? विनोद। जो घटना हुई है वापस से दोहराई नहीं जाए, इसलिए अपन ड्राइवर एसोसिएशन वाले चाहते हैं कि आइंदा से कार्रवाई अच्छी हो इसके ऊपर, और हम ये चाहते हैं कि उनको जल्द से जल्द पकड़ा जाए। क्या नाम आपका? लखन जोशी। अपन दिनायक, क्या मामला था सर? ये जोगट में एक्सीडेंट के बाद में जो मगन सिंह ड्राइवर था, मजदूर को लेकर आ रहा था, उसके साथ में गांव के लोगों ने मारपीट की थी, तो उसकी अस्पताल लाते समय को इलाज कराने के बाद में गाँव भेजा गया था, तो उसकी डेथ हो गई थी। क्योंकि वो अकेला परिवार में था, उसके भरण के लिए और कोई अन्य साधन नहीं है, और अच्छे से कार्रवाई हो जो घटना घटी उसके साथ में, इसलिए हमारे पुलिस अधीक्षक भी आ गए। मैं भी घटना स्थल पर 2-3 दिन से था, हमारे एसपी साहब की हुई है, और जहाँ तक मुआवजे की बात है तो हमारे एसपी साहब ने कलेक्टर साहब से बात कर ली है, और उसके संबंध में जो भी मदद होगी शासन स्तर से तो हम करेंगे, और पुलिस विभाग से जो हमसे जो मदद होगी हम करेंगे। सर, मुआवजे का स्वरूप क्या होगा सर? वो चल रही है प्रक्रिया। कितने आरोपी गिरफ्तार हो चुके सर? अभी मैं बता नहीं सकता हूँ, पर चल रही कार्रवाई। कितने लोगों को आरोपी बनाया गया सर? ये विवेचना का विषय है। ठीक है।